चौधरी और आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। मैं इस वक्त खड़ी हूँ सचिवालय के सामने। आइए बात करते हैं कृपा शंकर शाही से और जानते हैं कि ये सीजन ये धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है। सर, ये धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है, आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? जी, ये धरना प्रदर्शन जो है वो सिर्फ यही समाहरणालय में नहीं हो रहा है बल्कि प्रदेश के सारे जिला मुख्यालय में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। और इस धरना प्रदर्शन जैसा कि आप देख सकते हैं कि सृजन घोटाले के विरोध में ये धरना प्रदर्शन है और जिस तरीके से ये घोटाला उजागर हो रहा है और परत दर परत इसकी भेदें खुलती जा रही हैं, इससे स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार के दिखाने के दांत और हैं और खाने के दांत और हैं। हमारा डिमांड है हमारे मुख्यमंत्री महोदय से कि वो और उनके उप मुख्यमंत्री दोनों इस्तीफा दें सर्वप्रथम, और उसके बाद इस घोटाले से जुड़े तमाम नेता जो संवैधानिक पद पे आसीन हैं वो लोग इस्तीफा दें। बाकी जो सीबीआई जांच की इन्होंने बात कही है वो सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अंतर्गत हो, एसआईटी का गठन हो और उसके बाद जो है ये सीबीआई जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ये कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन के द्वारा वो चाहते हैं कि सीएम अपनी कुर्सी छोड़े, तो आइए दूसरे लोगों से भी बात करते हैं कि उनका क्या राय विचार है इस धरना प्रदर्शन पर। भूषण कुमार सिंह बोलिए, मैं इसके खिलाफ बोलना चाहता हूँ। मैं सांसद प्रत्याशी हूँ कुमार जी से कि जो सृजन घोटाला में वो मुख्यमंत्री और उनका अभी तक का यही है कि हमारा जो महागठबंधन था फिर उधर का है बोलेगा ये ना कि जानकारी मांगा और गठबंधन तोड़ दिया, जो माइंडेड बिहार के लोगों ने दिया था महागठबंधन को। और सुशील मोदी जी की बहन का नाम आया है, गिरिराज जी का है, शाहनवाज हुसैन साहब का है और उस गठबंधन में वो है। अभी तुरंत उनको खुद नैतिकता के आधार पे रिजाइन कर देना चाहिए और एक मैसेज देना चाहिए कि आपकी छवि बची हुई है, क्या आप चाहते हैं कि बची हुई है कि लोग आपके प्रति क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे ये नीतीश कुमार जी से इस्तीफा मांगने की बात कर रहे हैं तो, और मैं चलिए मैं आगे इनसे बात करना चाहूँगी जो इसके अध्यक्ष हैं, उनसे ये पूछना चाहूँगी कि जब वो सीएम से यानी कि नीतीश कुमार जी से इस्तीफा मांग रहे हैं तो एज अ सीएम वो नेक्स्ट किसको देखना चाहेंगे बिहार में? सर जी, ये तो आगे की बात है। निश्चित रूप से हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, हम लोग जानते हैं कि आगे का जो सीएम का प्रत्याशी हो, आगे जो सीएम बने हमारी पार्टी का हो। लेकिन ये जो पूरा ये जो धरना हुआ, अच्छी बात कही कृपा शंकर शाही जी ने विस्तार से बताया, हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था भागलपुर में जाकर, वहाँ हम लोगों से मिले थे, लोगों में काफ़ी आक्रोश था। लोग आक्रोशित थे कि इस तरह की घटना, इस तरह का घोटाला बिहार में हुआ है और जो केंद्र और राज्य की जो सरकार है इस तरह से इस घोटाले पर पर्दा डालना चाह रही है लोगों को निगाह में, इससे लोगों में खासकर युवाओं में बहुत आक्रोश है। और एनडीए सरकार की, मोदी सरकार की, भाजपा सरकार की तो नीति रही है कि इस तरह के घोटाले करके इसको दबा दिया जाए। इसका उदाहरण था व्यापम घोटाला और बिहार में भी इस घोटाले को व्यापम का शक्ल दिया जा रहा है। ये घोटाला व्यापम की तरह ही बहुत व्यापक है, निश्चित रूप से बड़ा घोटाला हुआ है और इसे छिपाने के लिए जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, जेल में हत्याएं हो रही हैं, बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस मेरे शब्दों में उसकी निंदा करता है और मुख्यमंत्री से और जिस तरह से साई जी ने बताया और अन्य जो भी लिप्त इसमें भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के घटक दल के और किसी भी दल के लोग उन पर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर वो संवैधानिक पद पर हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और तो और निश्चित रूप से न्यायपालिका की देखरेख में इसकी जाँच होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें हैं, जो भी जो जनता का, आम जनता का गाढ़ा कमाई का जो पैसा है, जो लोग उसको लूटने का प्रयास कर रहे हैं उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगानी चाहिए। जी, धरना प्रदर्शन तो चल ही रहे, आइए हम वापस शाही जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा। सर, आप बता सकते हैं कब तक चलेगा? धरना प्रदर्शन तो एक दिवसीय है, ये आंदोलन की रूपरेखा के अंतर्गत है। सर्वप्रथम हम लोग भागलपुर जहाँ से ये घोटाला शुरू हुआ था और जहाँ से ये उजागर होना शुरू हुआ, सर्वप्रथम हमारा आंदोलन वहीं शुरू हुआ था और द्वितीय चरण के रूप में ये हम लोग प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना कर रहे हैं। इसके बाद सरकार के कान में जो रेंगता है नहीं रेंगता है उसके उसको देखने के पश्चात फिर आगे की रणनीति तय होगी और ये आंदोलन व्यापक होगा अगर नीतीश जी इस पर कोई कार्यवाही नहीं करते, हमारी मांगों को स्वीकार नहीं। अगर मान
लीजिए कि इसमें कार्रवाई नहीं होती है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप अगली धरना कहाँ पे करेंगे? जैसे संगठन हमारा जो रूपरेखा तय करेगा इसके बाद हम लोग तय करेंगे, और इससे और व्यापक आंदोलन होगा, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, सदन उठेंगे, और जैसा भी होगा वो सब आप लोग जी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये धरना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और इसी के साथ मैं धन्यवाद चोर जुल्म के टक्कर में, चोर जुल्म के टक्कर में, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, 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 राहुल सोनिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।